हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रकूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, राष्ट्रकूट राजवंश एक शाही भारतीय राजवंश था जो 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण, मध्य और उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर राज करता था। फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में दिया गया पहला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजवंश, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई, दंती दुर्ग के द्वारा 735 ईस्वी से लेकर 755 ईस्वी तक शासन किया गया। उस समय 6वीं शताब्दी चल रही थी, उसके बाद से लेकर 13वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी वर्तमान भारत में महाराष्ट्र के सोलापुर के पास मानखेड़ हुआ करता था। इनके साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे होने लगता है। उसके बाद ये महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में, मध्य प्रदेश का वर्तमान भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी इनका शासन संचालित होता है। यानी कि दिया गया पहला कथन बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा कथन क्या कहता है, अमोघ वर्ष प्रथम इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे और माना जाता है कि उन्होंने कविराजमर्ग को लिखा, जो कन्नड़ भाषा में एक साहित्यिक कृति थी। फ्रेंड्स, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के एक समृद्ध और प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं, वे कला के प्रेमी थे। इनके द्वारा कन्नड़ भाषा में जो साहित्य की रचना की गई वो कविराज मर्ग था। यानी कि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। अगर हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का फ्रेंड्स, तो इनकी राजधानी, जैसे मैंने आपको बताया कि मालखेड़ के आसपास हुआ करती थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के सोलापुर के आसपास है। इस साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, दंती दुर्ग के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तार के क्रम में कांची, कलिंग, मालवा इत्यादि क्षेत्र पर भी हमला किया गया, इन क्षेत्रों को जीता गया। इसके पश्चात कृष्ण प्रथम इनके राजा बनते हैं, उन्होंने भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने में ज्यादा जोर दिया। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य जिसे बार बार याद किया जाता है वो ये, एलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा ही करवाया गया था। हम जो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं, जिसमें गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट थे, उसी के अंतर्गत जो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव हुआ करते थे, उनके द्वारा धर्मपाल और वत्सराज इन दोनों को हराया गया था। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इनके साम्राज्य के विस्तार को आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारे वर्तमान का प्यारा भारत है, इसमें इनका साम्राज्य जो था वो यहाँ पर हुआ करता था। इनकी राजधानी यहाँ थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के आसपास है, तो इसे आप ध्यान में रखें। इनके द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी जो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में हुआ करते थे, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। उनमें से अमोघ वर्ष के द्वारा जो लिखा गया था वो कवि रज मार्ग हुआ करता था। जीन सेन के द्वारा आदि पुराण हरिवंश था, वैसे ही महावीराचार्य गणित सार संग्रह इनके द्वारा लिखा गया था, तो इन्हें आप याद रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि ये किसके बारे में दिए गए कथन हैं, किसके बारे में ये दिए गए जानकारियां हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं। फ्रेंड्स, पहला कहता है, इस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है, यह ज्यादातर मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है। इसके आगे बताता है, यह कई बीमारियों के उपचार का पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिए कि
वेदों के अंतर्गत जो बीमारियों से संबंधित बातों को लिखा गया है वो अथर्ववेद के अंतर्गत लिखा गया है। आप इसे ऐसे याद रखते हैं रख सकते हैं, अ से होता है आयुर्वेद और अ से ही होता है अथर्ववेद। आयुर्वेद में भी हम बात करते हैं इलाज की, बीमारियों को दूर करने की, वैसे ही आप इसे जोड़ सकते हैं कि अथर्ववेद के अंतर्गत भी बीमारियों के बारे में लिखी गई होंगी। यदि बीमारी नहीं होगी तो उससे समाज में शांति होगी, यदि समाज में शांति होगी तो इसकी वजह से समाज समृद्ध होगा। तो आप इन दोनों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिए कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें लगभग 99 बीमारियों के उपचार के बारे में जानकारी लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दो ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, एक तो अथर्व हुआ करते थे और दूसरा अंगीरा, इन दोनों के द्वारा इसे लिखा गया था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि इसमें मुख्य रूप से जो दैनिक जीवन के सामान्य बातें हुआ करती थी, रोजमर्रा की जो चीजें हुआ करती थी, उन चीजों को कैसे ध्यान में रखते हुए समाज को, परिवार को और व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, उन सारी चीजों को अथर्ववेद के अंतर्गत लिखा गया था, तो इसे आप ध्यान में रखें। एक अन्य बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि अथर्ववेद जो है उसके दो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, एक तो मुंडका उपनिषद और एक मांडुक्य उपनिषद। ये दोनों अथर्ववेद के उपनिषद हैं, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार स्टेट पीसीएस में ये पूछी जा चुकी है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है माउंट आबू मंदिर में प्रमुख रूप से समृद्ध आंतरिक चित्रकारी और बाहरी सरल चित्रकारी है। फ्रेंड्स, माउंट आबू जो कि वर्तमान राजस्थान में है, यहां पर जो चित्रकारी की गई है, जो मंदिर है जैन मंदिर, वहां मंदिरों के अंदर संगमरमर पर गहरी चित्रकारी की गई है, ज्यादा वास्तुकला का निर्माण किया के आधार पर चित्रकारी की गई है। लेकिन तुलनात्मक रूप से आप बाहर देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा चित्र देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादा कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि दिया गया पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जैन मंदिर है वो मुख्य रूप से आंतरिक कलाकृतियों को ध्यान रखा गया है और बाहर में तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम कलाकृति का उपयोग किया गया है। दूसरा कथन कहता है शत्रुंजय पहाड़ियों में जैन मंदिरों का एक समूह है। ये बिल्कुल सही है, ये दिलवाड़ा के आसपास है। ये जैन मंदिरों का समूह शत्रुंजय पहाड़ियों में देखने को मिलता है। यानी कि दिया गया दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो शत्रुंजय पहाड़ी है वो वर्तमान में गुजरात के कठियावाड़ के आसपास है। माउंट आबू मंदिर को जो कि एक जैन मंदिर है, उसका निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। ये लगभग संगमरमर से ही निर्मित है, कहीं कहीं पर दूसरे चीजों का उपयोग किया गया है, लेकिन ज्यादातर ये संगमरमर से ही निर्मित किया गया है। इस मंदिर के कलाकृति को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो बाहरी हिस्सा है वो देखने में कुछ इस प्रकार का है, लेकिन जो आंतरिक चित्रकारी का उपयोग किया गया है, कितनी गहराई के साथ अंदर निर्मित किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से आप देख लें तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी, इसीलिए हम आपके समक्ष चित्रों को भी लेकर आते हैं। हमारे डिस्कशन के चौथा प्रश्न क्या कहता है, कश्मीर की मंदिर वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में, कश्मीर के मंदिर वास्तुकला के बारे में। पहला कथन कहता है प्रमुख गांधार स्थलों के लिए कश्मीर की निकटता इस क्षेत्र को एक मजबूत गांधार प्रभाव प्रदान करती है। फ्रेंड्स, गांधार वास्तुकला के बारे में आप जानते हैं, मुख्य रूप से ये कश्मीर और तक्षशिला के आसपास ही निर्मित हुआ, वर्तमान के अफगानिस्तान के आसपास ही ये निर्मित हुआ। उसके बाद
ये लगभग लगभग भारत के उत्तरी भागों में विस्तारित करता है। कश्मीर भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो जो वास्तुकला का निर्मित उपयोग करके यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया है वो गांधार वास्तुकला का ही रूप है। यानी कि दिया गया पहला कथन बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा कथन कहता है कश्मीर का करकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस जानकारी को भी आप याद रख लीजिए। कश्मीर में करकोटा राजवंश जब शासन कर रहा होता है उस समय वहां पर वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण रूप और विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे वहां पर राजवंशों का बदलाव होता रहता है वैसे वैसे जो वहां पर कलाकृतियों का निर्माण किया गया था, मंदिरों का निर्माण किया गया था, वो टूटने फूटने लगता है। और वर्तमान में हिंसा की वजह से जो स्थिति वहां पर है इसे आप बेहतर रूप से जान रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि वास्तुकला की दृष्टि से कश्मीर में करकोट जो वंश था, करकोट राजवंश का जो काल था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तीसरा कथन क्या कहता है, तीर्थ से जुड़ी एक पानी की टंकी की परंपरा थी। फ्रेंड्स ये कथन को भी आप याद रख लीजिए। कश्मीर में जितने भी मंदिर निर्मित किए जाते थे उसके एक हिस्से में पानी की टंकी बनाई जाती थी क्योंकि वहां पर इसका काफी महत्व था। एक ऐसा समय होता था जब कश्मीर में जो इलाके थे वो बर्फ से ढक जाते थे तो वहां पर लोगों को अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ उपाय नहीं होते थे। तो उसी चीज के लिए शुद्ध करने के लिए हर मंदिर में एक टंकी का निर्माण किया गया था। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि मंदिरों को टंकी के किनारे बिल्कुल बीच में स्थापित किया जाता था ताकि मंदिर तक पहुंचते पहुंचते लोगों का पैर हाथ इत्यादि साफ हो जाए। तो इसे आप ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा तो आप इसे याद रखेंगे। यहां जो कुछ और जानकारियां हैं जिसे आपको याद रखना है वो कश्मीर में जो गांधार साइट हैं उनमें मुख्य रूप से तक्षशिला, पेशावर और उत्तर पश्चिमी सीमा, कहने का मतलब जो वर्तमान का अफगानिस्तान का इलाका है, वो पूरा कवर करता था कश्मीर के अंतर्गत। और वहां पर गांधार साइटों को देखा जा सकता था। वहां पर तालिबान और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वर्तमान में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, वास्तुकला से संबंधित क्षेत्र थे, उनको नष्ट किया जा चुका है लेकिन थे तो जरूर। जो एक अन्य बात इससे जुड़ी हुई आपको ये याद रखना है कि कश्मीर में न सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित बल्कि बौद्ध धर्म से भी संबंधित अनुयायी हुआ करते थे और इनके द्वारा निर्मित किए गए बहुत सारे वास्तुकला के अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं है। एक अन्य बात जो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर शिव से समर्पित ज्यादा मंदिरों को देखा जाता है और शक्ति से समर्पित मंदिरों को भी देखा जाता है। यह हिंदू धर्म के अंतर्गत है। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से संबंधित था इसमें और महायान संप्रदाय से संबंधित रूप देखा जाता है। इसका एक अन्य बात आप याद रखेंगे कि कश्मीर में जितने भी मंदिर का निर्माण किया गया है वो ज्यादातर पत्थरों का उपयोग करके नहीं किया गया है, वो पत्थरों के साथ साथ लकड़ी का ज्यादातर उपयोग किया गया है। तो समय के साथ जो लकड़ियां थी वो खराब होने लगी, वो ढहने लगी और पत्थर अभी बचे हुए हैं। जो अवशेष देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। इनके ऊपर लकड़ी के अवशेष, लकड़ी के संबंधित मंदिर हुआ करते थे, आकार हुआ करती थी लेकिन समय के साथ उनको संरक्षित नहीं किया जा सका। हिंसा के जिस रूप को आज आप कश्मीर में देख रहे हैं वो इनको संरक्षित करने से रोकता रहा और अंततः आज कुछ इस प्रकार के खंडहरों में कश्मीर की वास्तुकला देखने को मिलती है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, रेखा पीड़ा ढीला पीढ़ला देउल और खाकरा मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं हैं। ये मंदिर में एक अलग इकाइयां होती हैं उसके बारे में बताता है कि इस प्रकार के इकाइयां कहां के मंदिरों में देखे जाते हैं, तमिलनाडु, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कि रेखा पीड़ा या तो रेखा देउल भी इसको कहा जाता है, वैसे ही पीड़ा दौल या फिर पीड़ा
देउल ये दोनों नामों से जाना जाता है। ये जो भाग हुआ करते हैं मंदिरों में, ये ओडिशा के मंदिरों में देखने को मिलता है। यूपीएससी ने 2019 में और 18 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये कहां की मंदिर वास्तुकला में देखने को मिलते हैं या फिर ये कहां किससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब आप मंदिर वास्तुकला से संबंधित प्रश्नों को देखें तो आप ध्यान रखें कि वहां कौन कौन से शब्द हैं जो बाकी वास्तुकला से उनको अलग करते हैं। जो बाकी सबसे अलग होंगे उन शब्दों को आप याद रखने की कोशिश करें। तो वैसे ही रेखा पीड़ा या फिर रेखा देउल या फिर पीड़ा देउ खाकरा इत्यादि जो हैं ये ओडिशा वास्तुकला से संबंधित है। इनको कलिंग भी कहा जाता है। तो ये क्या हुआ करते थे आप इसे देख सकते हैं। रेखा पीड़ा जो होता था वो मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो निर्मित किया जाता था उसका ये वाला भाग होता था। मतलब ये जो किनारा आप देख रहे हैं वो रेखा पीड़ा या फिर रेखा देउल कहा जाता था। जो ऊपर में अर्ध आकार हुआ करती थी वो इस प्रकार की हुआ करती थी और उसे खाकरा पीड़ा या फिर खाकरा देउल कहा जाता था। जो नीचे का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था उसे आधार या फिर पीड़ा कहा जाता था। तो इसे आप ध्यान रखें, ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप इन सारे नामों को याद रखेंगे। कभी आई थिंक मुझे मिला था जगमोहन, ये कौन से वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, तो ये भी ओडिशा वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, आप याद रखेंगे। या फिर कलिंग वास्तुकला भी बोला जाए तो भी कहेंगे कि जी हाँ है, ये वर्तमान में ये प्रेजेंट है, वास्तविकता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।